हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं ढाबा स्टाइल लहसुनी पालक पनीर। रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर हमने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल लहसुनी पालक पनीर। तो दोस्तों, आइए लहसुनी पालक पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। लहसुनी पालक पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई। यहाँ पे मैंने पालक साफ करके धो के रखा है, इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे पालक साफ किया हुआ है, पर इसमें डंठल एज इट इज हैं। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल कच्चे डंठल हैं और इनमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने पूरे डंठल नहीं तोड़े हैं। पालक हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम डाल देंगे 4 हरी मिर्च। हम यहाँ पे लाल मिर्च कम यूज में लेंगे। अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्च और डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे 1 ग्लास पानी और पालक को बॉईल होने देंगे। पानी बॉईल होने लग गया है और देखिए पालक थोड़ा नीचे बैठ गया है। इस स्टेज पर हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चीनी। चीनी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो पालक का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। अब हम पालक को इस तरह से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि जो बीच का पालक है ये भी सॉफ्ट और नरम हो जाए और चीनी भी आसानी से पानी के अंदर घुल जाए। अगर आप चाहें तो ढक्कन भी लगा सकते हैं। हमने बिना ढक्कन लगाई पालक को बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो पालक को कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। अगर आप कुकर में पालक बॉईल कर रहे हैं तो आप चीनी पहले ही डाल दीजिए। पालक बॉईल हो चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और पालक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। पालक को बॉईल करने के लिए हमें टोटल 5 मिनट्स लगे हैं। देखिए, पालक को मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है और एक प्लेट में इसको ठंडा कर दूंगी। पानी को हमें फेंकना नहीं है, पानी को हमें सब्जी में ही काम में लेना है। पालक ठंडा हो चुका है, अब पालक को हम ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। हमने पानी नहीं डाला है, सिर्फ पालक ही डाला है। पालक को ग्राइंड कर लेंगे, पर एकदम बारीक हमें पालक नहीं पीसना है। देखिए, पालक को हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है और इसमें से हम 2 चम्मच अलग निकाल लेंगे। ज्यादा नहीं निकालना है, सिर्फ 2 चम्मच ही निकालना है, बाकी का हम महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हमने 1/2 कप पानी डाल दिया है और पालक का एकदम हमें स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। लहसुनी पालक पनीर बनाने के लिए हमारा पालक बिल्कुल रेडी है। आइए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। वही कढ़ाई हमने साफ करके ले ली है। अब हम डाल देंगे इसमें सरसों का तेल। हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के आसपास सरसों का तेल डाल दिया है। अगर आप सरसों का तेल नहीं पसंद करते हैं तो घी या रिफाइंड ऑयल भी यूज में ले सकते हैं। आज हम ढाबा स्टाइल लहसुनी पालक पनीर बनाने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे 15 से 20 लहसुन की कलियाँ बारीक कट करके रखी हैं। एक हमने मीडियम साइज का प्याज बारीक कट करके रखा है। ऑयल गर्म हो चुका है, देखिए धुआं निकलने लग गई है। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और सबसे पहले हम पनीर डाल देंगे। पनीर को हमें ऑयल में बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा करना है। ये हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए, हमने बिल्कुल हल्का सा ही पनीर को फ्राई किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आइए हम ढाबा स्टाइल लहसुनी पालक पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम ऑयल में डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। देखिए, जीरा फ्राई हो चुका है। अब हमने जो लहसुन कट करके रखा है इसमें से हम 1 चम्मच डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन हमें बाद के लिए रख लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें लहसुन को फ्राई करना है। एक चीज का ध्यान रखिए कि लहसुन जले नहीं, लहसुन पक चुका है। अब हम डाल देंगे प्याज। देखिए, प्याज और लहसुन को हमें अच्छी तरह से पका लेना है, बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे, नहीं तो जो सब्जी है उसमें टेस्ट खराब हो जाएगा। अब हम डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी पाउडर। हमें सिर्फ 1 पिंच के आसपास ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। हल्दी और नमक डालने से क्या होता है कि जो कच्चापन है वो फटाफट से खत्म हो जाता है और सब्जी जल्दी से पक जाती है। इस स्टेज पर डालना है हमें 2 चम्मच बेसन। तो आप सोच रहे होंगे 2 चम्मच बेसन क्यों डालना है? बेसन इसलिए डालना है क्योंकि ढाबे वाले अधिकतर बेसन डालते हैं और इससे उनकी जो सब्जी है, जो ग्रेवी है, वो बहुत ही थिक बनती है। बेसन को भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि बेसन भी कच्चा ना रहे और अच्छी तरह से पक जाए। देखिए, बेसन नीचे चिपकने लग गया है, पर कोई बात नहीं, जलेगा नहीं क्योंकि इसमें ऑयल काफी सारा है। अब देखिए, बेसन भी भुन चुका है,
अब जो हमने खड़ा खड़ा पालक रखा था इसको भी हम इसी में डाल देंगे। आइए साथ ही हम मसाले डाल लेते हैं। एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है और 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे हरा धनिया पाउडर लिया है। अब हम सभी मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए सभी मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। लगभग 1 चम्मच के आसपास हमने कसूरी मेथी ली है। देखिए बिल्कुल बारीक करके हम इसको सब्जी में डाल देंगे। जो हमने पालक पीस के रखा है उस पालक को भी अब हम कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारी सब्जी का कलर आया है। देखिए ढाबे वालों की सब्जी बिल्कुल इसी तरह से होती है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर आपके पास में जायफल है तो आप 1 पिंच के आसपास जायफल भी डाल सकते हैं। जार को धो करके हमने 1/2 कटोरी जितना पानी डाल दिया है। अभी हमें ग्रेवी को अच्छी तरह से पका लेना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब जो हमारी ग्रेवी है वो डांस करना चालू कर देगी, इसलिए हम इस पर 1/2 ढक्कन लगा देंगे ताकि वो उछट के बाहर ना आए। ग्रेवी को हमें इसी स्टेज पर 5 से 7 मिनट पका लेना है। ढक्कन को बिल्कुल नहीं हटाना है क्योंकि जो हमारी ग्रेवी है ये उछट उछट के बाहर आ रही है, इसलिए हमने इस पर 1/2 ढक्कन लगाया है। 1/2 ढक्कन लगाने का भी मैं आपको रीजन बता देती हूँ। इससे जो हमारी ग्रेवी तैयार हुई है इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। 5 मिनट हो चुके हैं। आइए एक बार हम लिड को हटा के ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। देखिए ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हमने यहाँ पे 2 चम्मच ताजा दूध की मलाई फेंट के रखी है, इसको हम ग्रेवी में डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर अब आपको ग्रेवी गाढ़ी लगती है, थिक लगती है, इस स्टेज पर दूध ही डालें, पानी ना डालें। दूध डालने से क्या होगा कि जो सब्जी का टेस्ट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और पानी डालने से सब्जी में कच्चापन आ जाता है। ये देखिए बिल्कुल तैयार हमारी ग्रेवी हो चुकी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम डाल देंगे पनीर। 1/4 चम्मच के आसपास हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। घर का पीसा हुआ गरम मसाला है इसलिए मैंने कम डाला है। अगर मार्केट वाला हो तो आप छोटा 1/2 चम्मच भी डाल सकते हैं। पनीर को और गरम मसाले को ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी लहसुनी पालक पनीर बनके तैयार हुई है, बिल्कुल ढाबे वाली सब्जी की याद दिला रही है। देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया है। अब हम लिड को लगा देंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट तक सब्जी को इस तरह से ढक के रखेंगे। इसमें क्या होगा, पनीर हमारा बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा, ग्रेवी भी एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। हमने लिया है एक पैन और पैन में डाल देंगे हम 1 चम्मच घी। अगर आप बटर डालना चाहते हैं तो बटर भी डाल सकते हैं। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, हमने जो लहसुन बचा के रखा था वो लहसुन हम घी में डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। गैस के फ्लेम को हमें लो ही रखना है ताकि लहसुन का कलर चेंज ना हो। देखिए लहसुन अच्छे से पक चुका है। अब हम डाल देंगे 1 से 2 पिंच इसमें लाल मिर्च पाउडर। देखिए हमारा लहसुनी तड़का बिल्कुल तैयार हो गया है। हमारी ढाबा स्टाइल लहसुनी पालक पनीर बिल्कुल रेडी है। हमने सर्व भी कर दी है, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तैयार किए हुए तड़के को हम सर्व की हुई सब्जी में ऊपर से डाल देंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी लहसुनी पालक पनीर बनके तैयार हुई है। तो दोस्तों लहसुनी पालक पनीर सब्जी को बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।